हेलो दोस्तों, आज एक छोटी सी खुशखबरी के साथ स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, तो एग्ज़ाम का तो अभी डेट का पक्का नहीं पता कि यूपीएससी की डेट 31 मई को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। लेकिन इससे अच्छी खुशखबरी की बात यह है कि आज यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया है, और यूपी पीसीएस के नोटिफिकेशन के साथ ही आज से ही फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं। जो बच्चे इस बार यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वे अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी सूचना यह है कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे बच्चे एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा दें व लाइक कर दें। अब हम बात करते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में 3 या 4 क्वेश्चन जो हर साल मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैपिंग बेस क्वेश्चन के साथ साथ आज मैं आपको मैपिंग के साथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अफ्रीका महाद्वीप को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसे समझना शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे भारत से, और भारत से स्टार्ट करने के बाद हम आते हैं सीधे अफ्रीका महाद्वीप पर। यह आपको अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा होगा, और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम स्टार्ट करने के साथ साथ अफ्रीका महाद्वीप में टोटल कंट्रियों की संख्या 54 है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं। और अब बात करते हैं कि एशिया में सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, जबकि दूसरा स्थान अफ्रीका महाद्वीप का आता है। अब क्वेश्चनों की डिमांड देखते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। तो पहले आपको लोकेशन पता होनी चाहिए अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप के वेस्ट में अटलांटिक ओशन व ईस्ट में हिंद महासागर इंडियन ओशियन व नॉर्थ में मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर स्थित है, जबकि यहाँ इस सागर का नाम रेड सी, लाल सागर रेड सी मौजूद है। अब हम आगे बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप से क्वेश्चनों की डिमांड किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में आपको पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने पूछता हूँ, अफ्रीका का सिंह या हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश मौजूद हैं। तो ये अफ्रीका का सिंह, ये वाला स्थान अफ्रीका का सिंह यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री मौजूद हैं, जिनकी छोटी सी ट्रिक आपको मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ट्रिक का नाम जैसे जुबेती, इरिटीरिया, सोमालिया और इथोपिया, ये 4 देश जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, जुबेती, इरिटीरिया, सोमालिया और इथोपिया। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाओं का मतलब आपको देखा होगा कि पृथ्वी पर 3 रेखाएं हैं। पृथ्वी को मिडिल से काटने वाली रेखा का नाम भूमध्य रेखा, और इस पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, और दक्षिण में यानी साउथ पोल में यानी साउथ में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा मौजूद है। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप में अब देखते हैं कौन कौन सी कंट्रियों से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है। तो पहले बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में हम कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किन किन, या हम बात करते हैं पहले भूमध्य रेखा की, भूमध्य रेखा किन 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 देशों से गुजरती है। तो ये आपको दिखाई दे रही होगी भूमध्य रेखा। तो आपको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, गे का जा यू यू केसो केसो गे का जायू केसो गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केनिया, सोमालिया। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, ट्रिक का नाम है गे का जायू केसो, गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केनिया, सोमालिया। अब हम इन्हें मैप पे देख लेते हैं।
तो मैप पर थोड़ा जूम करने के बाद आपको दिखाई देगा पहली कंट्री जो हम देखते हैं, गैबोन। गैबोन गैबोन से आगे हम बात करते हैं, गैबोन, कांगो, कांगो, गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केनिया और सोमालिया। इन देशों से इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा गुजरती है। और आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन ये है, कभी कभी पूछ लेता है कि इक्विटोरियल गिनी, इक्विटोरियल गिनी क्या इक्वेटर पर मौजूद है? तो बिल्कुल गलत आंसर है। इक्विटोरियल गिनी इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित है, इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित है। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बारे में, कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा, मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है? तो हम पहले ट्रिक की बात करते हैं कि आखिरकार उन्हें याद करने के लिए क्या ट्रिक होगी। तो आपको याद रखना है नाबोध, मोमे, नाबोध, मोमे, यानी कि नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। अब हम देखते हैं, एक बार फिर बोलता हूँ, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। अब हम आगे बात करते हैं कि आखिरकार यह कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो बात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से, तो हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बारे में, कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किन किन राज्यों से गुजरती है, किन किन देशों से गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप के। तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का भारत जो क्षेत्र है वह यहाँ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रोन कैप्रिकॉन यहाँ से गुजरती है, यानी कि नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, कि आखिरकार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में आपको देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो पहले तो आपके इसकी भी ट्रिक पता होनी चाहिए कि इसकी ट्रिक क्या बनेगी। तो ट्रिक के लिए हम बात करेंगे पो मा म अली मी, अली मी, पो मामा अली मी, यानी कि प यानी पश्चिमी अल सहारा, मोटिनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। इन सभी देशों से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजरती है। पोमामा अलीमी, पोमामा अलीमी। एक बार फिर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप सारे देश पता लग जाएंगे कि आपको कौन सा देश किस रेखा पर गुजरता है। तो हम देखते हैं कि कहाँ से यह गुजरती है। तो ये यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न सहारा या पश्चिमी अल सहारा, मोंटेनेग्रो, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, इन सभी देशों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अफ्रीका महाद्वीप में अगले क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कंट्री के बारे में। तो अफ्रीका कंट्री में एक ऐसा देश है जो लैंड लॉक कंट्री है, जो डबल लैंड लॉक यानी कि देश के अंदर देश है। तो हम देखते हैं, सबसे आपको दिखाई दे रहा होगा छोटी सी कंट्री लोसोतो। तो आपसे लोसोतो की लोकेशन पूछ सकता है कि लोसोतो कहाँ है। तो लोसोतो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही एक देश है, यानी देश के अंदर देश की संज्ञा दी जाती है, इसे देश के अंदर देश की संज्ञा दी जाती है। और थोड़ा सा आपको एक छोटा सा देश और दिख रहा होगा, इसे स्वाजीलैंड कहा जाता है। और यह स्वाजीलैंड आपको दिखाई दे रहा होगा देश, ऊपर देखते हैं मोजाम्बिक, और मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका। तो मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका के बीच भी एक छोटा सा लैंड लॉक देश है जिसका नाम स्वाजीलैंड है। और अफ्रीका के अंदर एक लैंड लॉक कंट्री है जिसका नाम लोसोतो है। अब हम आगे बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको दिखाई देगा यहाँ एक छोटा सा नैरो स्ट्रेट
जिसे बाबल मादेन, बाबल मादेन जल संधि कहा जाता है, जो जुबेती और यमन के बीच है, जो जुबेती और यमन के बीच है। तो आपको पता होना चाहिए कि बाबल मादेन किसे किसे जोड़ता है। तो बाबल मादेन अडन की खाड़ी और रेड सी को जोड़ता है, जो यमन और जुबेदी के बीच है। चलो आगे देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी लोकेशन, जैसे जैसे हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, जो हमने बात की थी कि अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश मेडिटेरियन सी के साथ सीमा रखते हैं, तो मैंने आपको बताया था एक छोटी सी ट्रिक, मेटल। तो मोरक्को, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और लीबिया, ये पांच देश सीमा रखते हैं मेडिटेरियन सी से। अब हम आगे बात करते हैं। अब ऐसी सी लोकेशन देखते हैं जहां से एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाए हैं। जैसे जैसे हम बात करते हैं नाइल रिवर, ये मैपिंग के बेस क्वेश्चन पर ही हम बात करेंगे कि कौन सा देश किस प्रकार मैपिंग के लिए आपके करंट में इस बार चर्चा में रहे हैं। तो अगली बात करते हैं हम चर्चा में रहने वाले स्थान का नाम। जैसे यहाँ आपको छोटी सी जापान के ऊपर एक छोटी सी लोकेशन दिखाई दे रही होगी, और जूम करते हैं थोड़ा देखते हैं, तो जो ये पार्ट है, ये आइलैंड, इसका नाम है कुरिल आइलैंड, कुरिल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुरिल आइलैंड किस किस के बीच डिस्प्यूटेड है। तो यह जापान व रशिया के बीच डिस्प्यूटेड है, जापान व रशिया के बीच विवादित है। इन्हीं आपको इन्हीं लोकेशनों पर ध्यान देना है जो एग्जाम की डिमांड होती है। अब हम बात करते हैं अगली लोकेशन के बारे में। अगली लोकेशन हम देखते हैं, हाँ आपको बात करते हैं मध्य अमेरिका के देशों के बारे में कि आखिरकार जो मिडिल अमेरिका है यहाँ कौन कौन से देश नॉर्थ से साउथ हैं।